तो कल हम जैसे देख रहे थे कि भक्ति का मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों को भोग से हटा करके भगवान की सेवा में नियुक्त करें। इसीलिए सेंस कंट्रोल का जो प्रोसेस है, इंद्रियों पे संयम पाना, वो भक्ति की पहली रिक्वायरमेंट होती है। ये पहले तो इंद्रियों, अगर इंद्रियां आपके काबू में हुई तो उसके बाद फिर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो एक बार बीरबल अपने राजा अकबर को बता रहे थे कि भगवान की सेवा का मतलब कि पहले इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार अकबर भी यही बोल रहे थे कि अरे इंद्रियों पे संयम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले पूरा भोग कर लीजिए, भोग करने के बाद जब इंद्रियां थक जाएंगी तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना एंजॉयमेंट करिए, इतना एंजॉयमेंट करिए कि अब वो चीज़ बोरिंग हो जाए आपके लिए, उस चीज़ से आप थक जाए। और थक जाएंगे एक बार तो अपने आप वो करने का मन नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग इस तरह की फिलॉसफी बताते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी बात कभी नहीं बताई गई है। तो अकबर भी यही बोल रहा था, अरे मैं राजा हूँ, मुझे भोग कर लेने दो सारी इंद्रियों का, एक बार सारी जितने तरह के भोग हैं सबको मैं कर लूंगा, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली मेरा डिजायर ही नहीं रहेगा और कुछ भोग करने का। तो बीरबल आर्ग्यू कर रहा था कि महाराज ऐसा होता नहीं है, अगर आप जितना भोग करेंगे उतना भोग करने की इच्छा और ज्यादा होते जाती है। हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं कि अगर आप ज्यादा भोग करते हैं तो भोग करने की इच्छा और बढ़ती जाती है। तो अकबर ये बात मान नहीं रहे थे, तो बीरबल फिर बोलते हैं ठीक है महाराज, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि कल आप एक जगह आ जाइएगा, एक जगह बुलाते हैं, और कैसे आइएगा, अपनी बेटी के साथ जो कि अभी बहुत जवान थी, बोले उसके साथ आइएगा। तो अगले दिन अकबर एक बूढ़े आदमी के घर पे पहुंचते हैं जो कि मरने वाला था, और ऐसी कंडीशन में वो अकबर, राजा और बीरबल वहां अंदर घुसते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति देखा कि हमारे महाराज आए हैं, लेकिन वो इतना कमजोर था कि वो उनको प्रणाम भी नहीं कर पाया क्योंकि तो वो अपने मृत्यु के शैया पे लेटा हुआ था, वो जस्ट अपना शरीर छोड़ने ही वाला था, ऐसी कंडीशन में वो था। लेकिन जैसे ही अकबर की बेटी अंदर घुसी तो वैसे ही उसकी बंद आंखें खुल गई, उसका सर मुड़ गया, और अकबर को ये देख करके हैरानी हुई कि अरे मेरे बेटे की पायल की छनकार से ये तुरंत इसकी आंख तरफ देखने लगा, और इतना बड़ा मैं राजा आया मुझे देखा भी नहीं, और जबकि ये बूढ़ा व्यक्ति है जो कि अभी मरने वाला है और शरीर में कोई शक्ति भी नहीं है, कि किसी तरह का उठने की भी शक्ति नहीं है, लेकिन आप देखिए भोग करने की इच्छा अभी तक नहीं गई। तो अकबर को समझ में आया, उसने बोला कि हाँ आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे, ये ऐसा नहीं होता कि इंद्रियों को अगर खूब भोगा जाए तो उसकी भोग करने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग हमें सेटिस्फाई कर नहीं पाता पूरी तरह। तो हमेशा हमें ये इच्छा रहती है कि इस बार सेटिस्फाइड नहीं हुए, अभी नेक्स्ट टाइम एक दूसरा अटेम्प्ट लेंगे तो इस बार सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे हमने देखा कि आप ड्राइवर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते सिर्फ कार में पेट्रोल डाल के, आप कितना भी पेट्रोल डालें, ड्राइवर को अगर भूख लगी है तो उसकी भूख मिटेगी ही नहीं। तो बहुत सारे लोग इस तरह की बात बोलते हैं कि अगर इंद्रिय भोग की आग जल रही है, उसको बुझाने का क्या तरीका है, उसमें इतना फ्यूल डालो, इतना पेट्रोल डालो, इतना पेट्रोल डालो कि पेट्रोल से आग बंद हो जाए। तो ये एक तरीका हो सकता है, ये उन लोगों के लिए जो कि एकदम डिटरमाइंड है कि हमें दुनिया में भोग करना ही है, ये उनके लिए तरीका लास्ट ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक आग में पेट्रोल डाले जा रहे हैं इस होप में कि इतना पेट्रोल डालूंगा, इतना पेट्रोल डालूंगा कि वो पेट्रोल से ही आग बुझ जाएगी। मान लीजिए एक चिंगारी भी बाकी रह गई तो क्या होगा,
पूरी आग भभक करके बाहर आएगी। इसलिए हमारे शास्त्र कभी भी इस प्रोसेस को रिकमेंड नहीं करते हैं। हालांकि ये पॉसिबल है कि इतना भोग करिए आप अपने आप को पूरा बर्न आउट कर दें भोग करते करते, तो हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल कि एक दिन आपकी वो इच्छा खत्म हो जाए, लेकिन अगर एक चिंगारी भी बाकी रह गई तो देखिए वो आग फिर से जलेगी, और आपने इतना पेट्रोल डाला है तो और जोरदार जलेगी। इसलिए ये प्रोसेस हमें कभी हमारे किसी आचार्यों ने रिकमेंड नहीं किया, और न ही हमारे किसी आचार्यों ने फॉलो किया, और न ही हमें ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। जो प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए वो हमारे आचार्यों ने क्या बताया है कि इंद्रियों पे संयम रखिए। तो सेंस कंट्रोल या इंद्रियों को संयमित करने का जो तरीका है वो कैसे शुरू होता है, वो हमारे जिह्वा यानी हमारे टंग से शुरू होता है। अगर आप टंग को कंट्रोल कर पाएंगे तो धीरे धीरे बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो टंग को कंट्रोल करने के क्या चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स यानी विधि और निषेध, दो चीजें बताई जाती हैं। तो टंग से डूज क्या है या विधि क्या है, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ हम भगवान का प्रसाद ही लें, उसके अलावा और कुछ ना लें। तो ये दो चीज अगर हम कर पाए तो इससे हमारी जीवा कंट्रोल होती है, और जीवा कंट्रोल हुई तो बाकी सारे सेंस ऑर्गन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं। और दूसरा चीज जो नहीं करना चाहिए वो है प्रजल्प। प्रजल्प किसको बोलते हैं, यूजलेस टॉक गॉसिप, जिसे चैतन्य महापुरुष ग्राम में कथा कहते हैं कि ग्राम में कथा न सुनिबे ग्राम कथा न परिबे, मतलब सुनना नहीं है बोलना नहीं है। ओके, भालो ना खाइबे भालो ना परिबे, ठीक है। तो लाइक दिस चैतन्य महापुरुष टेल्स कि ग्राम में कथा नहीं गांव की बात। जैसे गांव में दो व्यक्ति मिल जाते हैं और बैठ गए कहीं पर और खूब इधर उधर के डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भक्तों को बताया गया है कि ग्राम में कथा नहीं करनी चाहिए, इससे भक्ति का पूरा नाश हो जाता है। क्योंकि जब हम ग्राम में कथा करते हैं तो एट बेस्ट वो हमारा टाइम वेस्ट करेगा, और एट वर्स्ट वो हमारे हमसे वैष्णव अपराध करा सकता है। कि जब हम यूजलेसली ऐसे ही इधर उधर के कुछ बात कर रहे हैं जिसका कि कोई रिलेशन नहीं है सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तो उसमें क्वाइट पॉसिबल है कि हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं, और वो हमारे भक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक्चुअली हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई क्रिटिसिज्म है भी तो भी उसे बोलना नहीं चाहिए। अगर आप किसी, क्योंकि अगर आप बोलने से आपका फिर इंटेलिजेंस और माइंड दूसरे जोन में चले जाते हैं, आपके मन में अगर कुछ बुरी बातें हैं या कुछ भी चीजें हैं, कुछ बुरी इच्छाएं भी हैं, तो उनको कम से कम बोल करके प्रकट नहीं करना चाहिए। मन के लेवल पर ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। किसी के प्रति गुस्सा भी आ रहा है या कुछ भी चीजें हैं, कुछ बुरी आपकी कुछ पाप करने की प्रवृत्तियां भी हैं, तो सब कुछ को मन के लेवल पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कभी, जिह्वा पे नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक बार आपने कोई चीज बोल दिया तो बोलने के बाद वो एक दूसरे जोन में आपका माइंड चला जाता है। आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि अगर किसी के प्रति आपका गुस्सा है और आपने मन में ही रख लिया तो हो सकता है कुछ समय के बाद आप वो भूल जाएं, लेकिन अगर 5-6 लोगों से आपने बोल दिया कि ऐसा वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो उसके बाद फिर वो आपके माइंड में इंप्रेशन पड़ जाता है, वो परमानेंटली इम्प्रिंट हो जाता है। उसके पहले वो इम्प्रिंट नहीं हुआ है, उसके पहले वो हो सकता है कि गुस्सा है, कुछ देर रहेगा, चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसको बोलने लगते हैं तो फिर वो परमानेंट इम्प्रेशंस हो जाते हैं माइंड में। इसीलिए हम अपने टंग को से क्या बोलते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि प्रजल्प नहीं करना चाहिए। एक्चुअली शीला माधवेंद्रपुरी जो कि एक भजनानंदी हमारे सन्यासी थे, वही हमारे रूट हैं गौड़िया वैष्णविज्म के से, जिससे जिनसे कि माधुर्य रस का प्रकाशन पहली बार हुआ था हमारे संप्रदाय में, तो वो पूरे दुनिया में अकेले विचरण करते थे। अपने साथ सन्यासियों के साथ जनरली एक असिस्टेंट होता है जो उनका डंडा कमंडलू ले जाने में हेल्प करता है, लेकिन वो अपने साथ किसी भी असिस्टेंट को नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर रहता था कि कोई असिस्टेंट रहेगा तो उससे मुझे बात करना रहेगा। वो इतना फियरफुल था कि ग्राम में कथा नहीं बोलना है, यूजलेस टॉक नहीं करना है, तो इसलिए असिस्टेंट नहीं रखते थे कि हो सकता है कि अगर असिस्टेंट रहे तो उसके साथ हमें मुझे बात करना पड़ जाए। तो इतना वो केयरफुल थे।
इसी तरह साधक को बताया जाता है कि टंग को बहुत केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करने के विधि और निषेध। विधि में क्या है, जप करना और कोशिश करना कि सिर्फ प्रसाद खाएं, और निषेध में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रजल्प नहीं करना, यूजलेस टॉक नहीं करना। अगर किसी में आप कोई बुराई देख रहे हैं और आप अथॉरिटी हैं उसको करेक्ट करने का, तो फिर आप उसके पास जाकर के बोल सकते हैं, वो प्रजल्प नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगर आप किसी में बुराई देख रहे हैं और आप उसके अथॉरिटी नहीं है और आप उसको हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर यूजलेसली हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक जहाज में उसको जो कंट्रोल करने का हिस्सा होता है उसे हम रडार कहते हैं। वो रडर बहुत छोटा सा पार्ट होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन बड़े से जहाज को कंट्रोल कर सकता है। टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज भी हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक रडर होता है, छोटा सा है, जो लोग कोई भी एक व्यक्ति उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उससे पूरे जहाज की डायरेक्शन कंट्रोल होती है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारा जो टंग है, हमारा जो जिह्वा है, वो उसी रडर के जैसा है। तो इतना छोटा सा पार्ट हमारे बॉडी का, लेकिन हम इस रडर को जैसे कंट्रोल करेंगे, वैसे ही हमारी पूरे बॉडी की जो बोट है वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो उससे डिसाइड होगा। क्योंकि साउंड वाइब्रेशन एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। आप भागवतम में पढ़ेंगे तो ये आता है प्रसंग वहां पे कि ये सृष्टि कैसे हुई थी, वो साउंड वाइब्रेशन से हुई थी। ओम शब्द से सारी सृष्टि निकली है, तो सृष्टि का अंत भी साउंड वाइब्रेशन से हो सकता है। कौन से साउंड से? हरे कृष्ण महामंत्र से। तो साउंड से सृष्टि हुई है और साउंड से ही सृष्टि का एंड भी हो सकता है। बहुत पावरफुल फोर्स है ये। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, साउंड वाइब्रेशन को। तो प्रजल्प ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बोलना ही नहीं चाहिए, हमें सुनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सुनने से भी अगर आप अथॉरिटी पोजीशन में नहीं है और कोई आकर के किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो इससे भी हमारी भक्ति डिस्ट्रॉय होती है, भक्ति का नाश होता है। तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, सॉरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो जब वृंदावन में रहते थे तो वो किसी का वैष्णव के बारे में कोई बुराई सुन ही नहीं सकते थे। अगर वो सच भी है तो उनको कोई आके बताता था कि ये वैष्णव ऐसा है वैसा है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है वैसा है, तो वो सुनते ही नहीं थे। वो बोलते थे कि मैं बस इतना जानता हूँ कि ये व्यक्ति वैष्णव है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इतना जानता हूँ कि ये व्यक्ति भगवान के नामों का जप करता है, इससे आगे मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता। तो ह्यूमन बींग्स में एक ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो बातें करना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं। और इस टेंडेंसी का यूटिलाइजेशन हम प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलें तो प्रज्वलित ना करें, इधर उधर की बात ना करें, बल्कि हम कृष्ण कथा डिस्कस करें। क्योंकि हमारी टेंडेंसी है, हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं और थोड़ा हंसी मजाक करना चाहते हैं। तो प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा डिस्कस करना चाहिए। लाइक हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे कि अगर आपको गॉसिप करने का मन है तो आपको क्या गॉसिप करना चाहिए, कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया, इस तरह का गॉसिप करना चाहिए। ये स्पिरिचुअली इनलाइवनिंग गॉसिप है। तो दिस इज कॉल्ड कि इस तरह का गॉसिप आप कर सकते हैं, लेकिन नॉनसेंस या और यूजलेस चीजें हमें बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेडिशंस में गुरु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि टेक अ वाउ ऑफ साइलेंस, साइलेंस का वाउ लीजिए। तो वो साइलेंस का वाउ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यूजलेस थिंग्स इट्स बेटर कि चुप रहने का, कि यूजलेस बातें बोल रहे हैं उससे बेटर है कि कम से कम शांत रहिए। लेकिन भक्ति में हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट साइलेंस क्या है, कृष्ण कथा डिस्कस करने का। तो कृष्ण कथा सबसे हाईएस्ट साइलेंस है, और दुनिया आप देखिए इस तरह के मंडेन साउंड वाइब्रेशन से भरा हुआ है।
टीवी, न्यूज़पेपर, मीडिया, सब जगह आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूजलेस गॉसिप। यहाँ पे जिसकी हमारे जीवन से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, हमसे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पूरा भरा हुआ है और लोग घंटों न्यूज में बिताते हैं, मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर सब में बिताते हैं। और अल्टीमेटली पूरी मीडिया हमें क्या इनकरेज कर रही है, जैसे हमने देखा था कल भी, ग्रॉस और सटल सेंस गेटिफिकेशन के लिए इनकरेज कर रही है, क्योंकि उन्हें इससे हायर तो कुछ पता नहीं है। ओके, ग्रॉस यानी इंद्रियों का सुख और सटल यानी माइंड इंटेलिजेंस और ईगो का सुख, इन दो लेवल के हैप्पीनेस के लिए हमें इंकरेज कर रही है। और जैसा कि हमने देखा था कि इन दो ये दोनों खुशियां, मतलब कि अपने शरीर के बाहरी वस्त्रों को आयरन करना लेकिन खुद खाना नहीं खाना, क्योंकि हम क्या हैं, हम तो आत्मा हैं, और आत्मा के लिए, आत्मा का ये जो हम जप करते हैं कि हमारे आत्मा के लिए खाना है। लेकिन जो हम सिर्फ पैसे कमाते हैं या ग्रॉस या सटल जो पांच इंद्रियों का सुख है या फिर माइंड इंटेलिजेंस ईगो का सुख है, वो सिर्फ हमारे बाहरी कपड़ों के लिए वो खाना है। यानी हमारा जो शरीर है ये बाहरी कपड़ा है, ये ग्रॉस बॉडी यानी हमारा जो ये शरीर है, और सटल बॉडी यानी स्थूल शरीर जो हमारा माइंड इंटेलिजेंस और ईगो का सुख है। तो मीडिया हमें उसी लिए इंकरेज करती है और फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गॉसिप। इसीलिए डिवोटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतना सारा मंडेन साउंड वाइब्रेशन पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो हमें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन का थोड़ा प्रचार करना चाहिए। इसीलिए आप बहुत बार देखेंगे कि भक्त हरिनाम संकीर्तन पर निकलते हैं और स्ट्रीट्स पर जा करके जोरदार हरिनाम करते हैं। तो वास्तव में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हरिनाम करने से हमें तो जो फायदा होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है। कोई अगर मजाक में ऐसे ही कोई हरे कृष्णा एक बार बोल भी दिया कि देखो ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, तो इतना बोलने से भी उससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उसने मजाक में भी बोला, तो मजाक में भी अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो नामाभास में जप आता है। कि जप के तीन लेवल होते हैं, ये हम कभी डिस्कस करेंगे कि नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो कोई मजाक में भी अगर ऐसे बोलता है कि हरे कृष्णा वाले हैं, तो उसने हरे कृष्णा शब्द जो बोला वो नामाभास में चला जाता है। और जो एनवियस पीपल हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरे तरह से नास्तिक हैं उन्हें, और इवन डिवोटीज को देख करके वो हो सकता है कि क्रिटिसाइज करें, ब्लास्फेम करें, वैसे लोग भी कम से कम हरिनाम संकीर्तन उनके कानों में जाता है तो उन्हें तरक्की हो रही है उनके अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में वो आगे बढ़ रहे हैं, और इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में वो श्योर इनफ, क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छे भक्त बने। तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इसके रिगार्डिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि अमेरिका में एक शहर में कुछ भक्त थे मंदिर के, वो रोज हरिनाम संकीर्तन पर जाते थे, लेकिन एक व्यक्ति जो था वो इतना एनवियस था उनसे कि वो जब भी भक्तों को देखता था हरिनाम संकीर्तन पे, तो जा करके उनको सीधे घूंसा मारता था और सारे भक्त वहां से फिर भाग जाते थे, और वहां पे वो लोग जो खिचड़ी विचड़ी बांटते रहते थे वो सब वहीं पे छूट जाता था बहुत सारा, तो उठा करके वो उसको खा भी लेता था फिर। तो इस तरह का बहुत दिन चला। तो बहुत बार जब भाग जाते थे वो घूसा मारता था, भक्त लोग डर वर के भाग जाते थे, और जो उनका खिचड़ी विचड़ी वो बांटने के लिए लाए थे वो सब वो लेके खाता था, इस तरह का वो करता था। इस तरह करते 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 एक दिन क्या हुआ कि कोई और व्यक्ति आकर के भक्तों को परेशान कर रहा था, और इस व्यक्ति ने देखा कि अरे आज मैं तो परेशान नहीं कर रहा, कोई और आकर के इनको परेशान कर रहा है। तो उस दिन वो वहां पे उस व्यक्ति के पास गया और भक्तों को नहीं मारा, उस व्यक्ति को एक जोरदार घूंसा मारा, और वो व्यक्ति वहां से डर के भाग गया। तो भक्तों को आश्चर्य हुआ कि रोज तो आप हमें घूंसा मारते थे, आज इस व्यक्ति को क्यों मारा? तो बोला कि पता नहीं मैं क्यों मारा, मुझे पता नहीं मैं क्यों मारा, बस मार दिया मैं। और वो बोले कि आपका जो खिचड़ी आप बांटते हैं शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी तो मुझे बहुत पसंद आता है ये। तो वो बोला कि एक्चुअली मैं आना चाहता हूँ आपके मंदिर एक बार। तो बोले वो बहुत बढ़िया, आइए। तो मंदिर गया और मंदिर में धीरे धीरे वो दर्शन लिया, वहां पे फिर से उसने खिचड़ी भी खाया, और आज वो उसी मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट है। कैन यू इमेजिन कि ही बिकेम द टेम्पल प्रेसिडेंट।
वही भक्तों को जिनको कि घूसा मारता था, अभी उसी मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो ऐसा इफेक्ट हो जाता है समटाइम्स। ये तो इसमें रियली बहुत पावर है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो बहुत बड़ा प्रचार का साधन है वो यही साधन है। वो लोग खिचड़ी बांटते हैं क्योंकि प्रसाद, क्योंकि जो लोग एनवीएस हैं, जो पूरी तरह से एथिस्टिक हैं, वो आप बोलेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए तो वो तो कभी करेंगे नहीं, लेकिन हरिनाम संकीर्तन करने से कम उनके कान में ये जा रहा है। और प्रसाद, क्योंकि प्रसाद खाना तो सबको पसंद आता है, तो वो लोग जब आप बांटेंगे तो वो तो ज़्यादातर लोग मना नहीं करेंगे, इवन लोग मांग के भी खाते हैं, तो वो खाने से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इस व्यक्ति के केस में तो बहुत फास्ट प्योरिफिकेशन हुआ, बट इन जनरल अगर इतना फास्ट प्योरिफिकेशन ना भी हो तो कोई अगर प्रसाद अगर खाता है तो कम से कम अगले जन्म में हो सकता है उसे एक हायर डेस्टिनेशन मिले, या मनुष्य के जन्म में फिर उस जन्म में उसे भक्ति करने का अच्छा मौका मिले, वैसी मेंटालिटी मिले। सो एज डिवोटीज दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये बात हमें बताया है कि जन्म सार्थक कर करी परोपकार। ये भारतीयों को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भारत भूमि ले जन्म होइले यार, जन्म सार्थक कर करी परोपकार। ये जिनका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले अपना जन्म सार्थक करें और जन्म सार्थक करने के बाद फिर परोपकार करें। जन्म सार्थक करने से पहले परोपकार नहीं, पहले खुद का जन्म सार्थक आता है। ये पहले अपने जीवन को सफल बनाइए, और आपका जीवन जब सफल हो गया उसके बाद फिर अब दूसरों के ऊपर परोपकार करने की बारी आती है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एक्चुअली एक जगह शिला प्रपात बोलते हैं कि विश्व की इतनी बुरी हालत क्यों है, क्योंकि भारतीयों ने भगवान के भक्ति का प्रचार का जो उनकी ड्यूटी था उसको पूरा किया नहीं है, उसको पूरी तरह से निभाया नहीं है। लेकिन शिला प्रपात जानते थे कि एक बार भारतीय इसे उठाएंगे तो सचमुच में पूरी दुनिया में इसे फैलाएंगे, और वो हमने देखा भी। शुरुआत में इस्कॉन इंडिया में एकदम चल ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली शिला प्रपात इस्कॉन को न्यूयॉर्क जाके एस्टैब्लिश किए, क्योंकि इंडिया में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। शिला प्रपात बताते हैं कि मैं बहुत सारे ब्राह्मण परिवारों के पास भी जाता था, और जिनके पास भी मैं जाता था बोलता था कि भगवान की दया से आपके 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, कृपया अपना 1 पुत्र मुझे दे दीजिए, मैं उसे ब्रह्मचारी बनाऊंगा, उसे ट्रेनिंग करूंगा और उसे एक भगवान की भक्ति का प्रचारक बनाऊंगा मैं। तो उसके लिए भी लोग राजी नहीं होते थे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए था, वेस्टर्न कंट्रीज का टेक्नोलॉजी चाहिए था, वेस्टर्न कंट्रीज का पैसा चाहिए था, और वो बेंट थे कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसी रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है। तो शिला प्रपात के गुरु का भी ये आदेश था कि आप पश्चिम में जाके प्रचार करिए, और उन्हें ये समझ में भी आया क्योंकि भारतीय वेस्टर्न कंट्रीज को इतना फॉलो कर रहे हैं, तो वो बोले कि ठीक है मैं उधर ही जाके प्रचार करूंगा, और वहां जा करके उन्होंने प्रचार किया। और वहां से प्रचार करके जब पहली बार वो भक्तों को लेकर के भारत में आए तो वृंदावन में प्रपात एक बस लेके पहुंचे, और बस में बहुत सारे अलग अलग देश के डिवोटीज भरे हुए थे। तो वृंदावन वासी देखे कि उस बस में से एक जापान का, एक रशिया का, एक चाइना का, अलग अलग देशों के ऐसे बहुत सारे डिवोटी निकले, और सारे ब्रजवासी देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये ऐसे वैष्णव ये कैसे आए यहाँ पर। और उसके बाद फिर शिला प्रपात ने वृंदावन में 10 दिन का प्रोग्राम किया, और उनको लेकर के बहुत जगहों पर प्रोग्राम किया। सूरत में तो इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ जब ये वेस्टर्न डिवोटीज वहाँ पे पहली बार आए, मेयर ने पूरा 10 दिन का छुट्टी डिक्लेयर कर दिया सिटी में, और जहाँ जहाँ ये भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाते थे वहाँ वहाँ चौराहों पर पूरे पंडाल बने रहते थे, प्रसाद का व्यवस्था रहता था, इन्हें माला पहनाया जाता था, और लोग अपने घरों से भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश करते थे। तो ऐसा वहाँ पे सीन था, 10 दिन समझ लीजिए कि वो गोलोक धाम ही बन गया था वो शहर। तो ऐसा रिसेप्शन मिला। अब उसके बाद भी इंडिया में इतनी आसान नहीं थी बारात वो जो रहा थी, बट स्टिल धीरे धीरे करते करते जब इंडिया में अभी पिकअप कर रहा है, सो नाउ इंडिया इज रियली डूइंग वेरी नाइस। और अनदर कंट्री विच इज डूइंग वेरी नाइस इज रशिया, जहाँ के लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शिला प्रपात का आदेश था, चेतन बापू का आदेश था कि हम पहले अपने जीवन को सार्थक करें और उसके बाद फिर दूसरों को प्रचार भी करें।
तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम भी पहले अपना भक्ति तो अच्छे से करें, और फिर जिन दूसरे लोगों को हम प्रचार कर सकते हैं उनको भक्ति के बारे में बता सकते हैं उन्हें बताना चाहिए। तो प्रचार करने का भी तरीका होता है, किसी को भी हम नहीं बताते। तीन कैटेगरी के लोगों को बताया गया है कि जो एनवियस होते हैं उनसे हमें दूरी बनाए रखना होता है, जो हमारे साथ के भक्त हैं उनसे हमें मित्रता बनाए रखनी होती है, और जो इनोसेंट हैं उन्हें हमें प्रचार करना चाहिए। यानी प्रचार, डायरेक्ट प्रचार किसे करते हैं? जो इनोसेंट पीपल हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो जानना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं उनके साथ हमें फ्रेंडशिप बनाना चाहिए, और जो एनवियस हैं उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उनसे दूरी बना करके, क्योंकि अगर हम उन्हें जाके प्रचार करेंगे तो प्रचार करने से वो और गुस्सा हो जाएंगे, और हो सकता है कि और वो ब्लास्फेम करें और अपशब्द बोलें भगवान के लिए, भक्तों के लिए, तो इससे उनके भक्ति का और नाश हो जाएगा। और एक्चुअली अगर आप ये मॉर्निंग प्रोग्राम में देखेंगे कि हम ये रिसाइट भी करते हैं कि वन ऑफ द 10 ऑफेंसेस इज व्हाट, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, के फेथलेस पीपल को हमें इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए ये हमारा तरीका है जो मैंने बताया कि हरिनाम करेंगे तो वो सुनते सुनते उनका दिल धीरे धीरे शुद्ध होगा, और उन्हें हम प्रसाद बांट सकते हैं, जो प्रसाद के लिए जनरली लोग मना नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जोर लगा के आप लोग भक्ति करिए, आप लोग जहाँ पर भी हैं अच्छे से करिए भक्ति। 16 माला जो लोग नहीं कर रहे हैं धीरे धीरे कोशिश करिए कि 16 माला पर आ जाएं, और उसके बाद फिर आसपास अपने अपने जगहों पर आप जिसको भी भक्ति के लिए प्रचार कर सकते हैं उनको ये बातें बता सकते हैं, वो भी हमें करना चाहिए। क्योंकि शिला प्रपा चाहते थे कि एवरीबडी शुड बिकम अ गुरु, वो सारे लोगों को बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं सारे भक्त वो गुरु बने। और गुरु बनने का क्या मतलब है कि आप जिसको भी देख रहे हैं उसे अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो आप उसके एक तरह से शिक्षा गुरु हुए। तो उस प्रकार शिला प्रभुपाद की इच्छा थी। इवन शिला प्रभुपाद जो भक्त बहुत अच्छा क्लासेस नहीं दे पाते थे या प्रचार नहीं कर पाते थे उनको भी बोलते थे नहीं आप भी क्लास दीजिए, और प्रभुपाद बैठ करके उनका क्लासेस सुनते थे और सुनने के बाद बहुत खुश होते थे। हालांकि भक्त ने टूटी फूटी किसी तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स बोले, लेकिन प्रभुपाद ने उस क्लास को भी बहुत अप्रिशिएट करते थे कि ठीक है इसने अटेम्प्ट तो लिया। यही मूड हमारे आचार्य से बाकी आचार्यों का भी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही बोला करते थे कि प्रचार करो। प्रचार में मान लो कि तुमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उस प्रोग्राम में कोई नहीं आया, तो बोले कि चार दीवारों को प्रीच करो, उनको प्रचार करो, लेकिन प्रचार करो। उनका ऐसा मूड था कि कोई भी व्यक्ति अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे निकला और सिर्फ एक मैगजीन मान लीजिए 10 रुपए की डिस्ट्रीब्यूट करके आया है बैक टू गॉड हेड, तो उतने से भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत खुश हो जाते थे और उसे बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो हमारे आचार्यों का ये मूड है, और इसी के कारण शिला प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ करके दुनिया में भ्रमण किए, वेस्टर्न कंट्रीज गए। वो बहुत खुश थे वृंदावन में, और 70 साल की उम्र में लोग वृंदावन में जाते हैं आराम से अपना आखिरी समय में भक्ति करके अपना शरीर छोड़ने के लिए। लेकिन 70 साल की उम्र में शिला प्रभुपाद ने वो जगह छोड़ करके वो यूएसए जैसी जगह गए। किस लिए? इसी कारण से कि भगवान की भक्ति का प्रचार करने का उनका गुरु का ये आदेश था। और ये हमारे संप्रदाय का मूड है कि हम गोष्ठ्यानंदी हैं, हम भजनानंदी नहीं है। भजनानंदी यानी वो लोग जो सिर्फ अपना भजन करते हैं, और गोष्ठ्यानंदी वो होते हैं जो अपना भजन भी करते हैं लेकिन अपना भजन करने के बाद फिर बाहर निकल करके जो भी इनोसेंट पीपल हैं उन्हें भी ये ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल इन शिला प्रभुपाद मिशन। सो दिस विल डू गुड टू अस एंड दिस विल डू गुड टू द होल वर्ल्ड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं, हमारा समय भी पूरा हो ही गया है। शिला प्रभुपाद की जय। जय। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर आपके प्रश्न नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा।